लखीमपुर खीरी, थार, 8 किसानों की हत्या, आशीष मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। मुझे लगता है कि आप पूरी तरह समझ चुके हैं कि यह वीडियो किस संदर्भ में रिकॉर्ड किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्त त्रिपाठी है और आप द लोकतंत्र देख रहे हैं। वक्त में 2.5 साल पीछे चलते हैं। 3 अक्टूबर 2021, तिकुनिया में आशीष मिश्रा, जो अजय मिश्रा टेनी के पुत्र हैं, उन्होंने एक बड़े कांड को अंजाम दिया था। किसान आंदोलन चल रहा था। 3 काले कानून को लेकर किसान आंदोलित थे। लखीमपुर खीरी में भी किसानों का एक समूह विरोध कर रहा था। किसानों द्वारा अपनी मांग मनवाने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का घेराव करने की योजना थी। केशव प्रसाद मौर्य उस दिन लखीमपुर खीरी में दौरे पर थे, लेकिन शायद उस दिन किसानों के ऊपर सत्ता के नशे में चूर मंत्री पुत्र का कहर बरपना तय था, इसलिए किसानों का सामना तेज रफ्तार थार से हुआ, जिसमें आशीष मिश्रा फायरिंग करते हुए निकले। एक गोली एक 22 वर्षीय किसान को लगी। गाड़ी की ठोकर कुछ किसानों और एक पत्रकार को भी लगी। टोटल 8 लोग इस घटनाक्रम में मारे गए। SIT जांच हुई। SIT जांच में भी आशीष मिश्रा दोषी पाए गए। SIT की रिपोर्ट के मुताबिक थार से कुचलने की ये जो घटना थी वह हादसा नहीं था, एक साजिश थी और किसानों की हत्या हुई थी। आशीष पर न सिर्फ धाराएं बढ़ाई गई बल्कि अभी भी संबंधित मामले में अदालत में मुकदमा चल रहा है और फिलहाल का अपडेट यह है कि आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर है। बहरहाल मुद्दे पर लौटते हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुल 195 नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। हैरानी की बात है कि इसमें अजय मिश्रा टेनी का नाम भी है। टेनी के किसानों को लेकर जो बिगड़े बोल हैं वह कई वीडियो में आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, सर्च करिएगा। अभी जो किसान आंदोलन 2.0 चल रहा है उसमें भी जो सबसे अहम मुद्दा है वह यह है कि लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को न्याय मिले। लेकिन न्याय तो छोड़िए, भाजपा ने टेनी को पुनः प्रत्याशी बनाकर अपनी मनसा जाहिर कर दी है। इस संदर्भ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी बेहद अहम टिप्पणी की है। अजय राय ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान के हत्यारे को टिकट दे दिया। विपक्ष तो खैर आरोप लगाती ही है, लेकिन मुझे खुद हैरानी हो रही है कि आखिर राम राज्य की बात करने वाली पार्टी ने ऐसा काम क्यों किया। क्या किसान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनकी मांगे नाजायज थी? क्या वो आतंकी थे जिसे कुचलकर अजय मिश्रा के पुत्र ने देश हित का काम किया? जरा सोचिए भाजपा क्या मैसेज देना चाहती है उन किसानों की जो उस हादसे में दिवंगत हो गए, उनके परिवारों की आत्मा आज कलप रही होगी। यह जले पर नमक छिड़कने जैसा है। क्या ऐसे तय होगा 400 सीटों का सफर? खून सने हाथों को क्या वोट करेगी जनता? क्या यह उस भरोसे की हत्या नहीं है जिसने 2 बार भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया था, जनादेश दिया था? अजय मिश्रा टेनी को टिकट मिलने पर आप सबकी क्या राय है? कृपया इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।